वानर राज केसरी और उनकी रानी अंजना सुमेरु पर्वत पर रहते थे। जीवन में सब सुख होते हुए भी उनके मन को चैन नहीं था। इस तरह निराश मत हो रानी, हम मतांग ऋषि की शरण में जाएंगे। वो बड़े सिद्ध संत हैं, उनके आशीर्वाद से हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। मुनिवर, हमारी कोई संतान नहीं है। अब आप ही हमारी आखिरी आशा है मुनिवर। तुम्हें वेंकटाचल पर्वत पर जाकर पवन देव की उपासना करनी होगी। एक नई उम्मीद के साथ केसरी और अंजना पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। पवन देव के आशीर्वाद से केसरी और अंजनी के वानर कुल में एक अद्भुत प्रतिभाशाली अति पराक्रमी श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। मित्रों के साथ खेलने जा रहा हूँ। पवन वेग से आता है और तूफान की तरह निकल जाता है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आज हम उपवन की ओर जा रहे हैं। नहीं नहीं, वहाँ कभी मत जाना। क्यों? वहाँ गुफा में एक आग उगलने वाला दानव रहता है। मैं किसी से नहीं डरता। ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और अन्य देवताओं से वरदान पाने के बाद तो हनुमान जी और भी शक्तिशाली और नटखट हो गए। पवन पुत्र, अंजने, केसरी नंदन भी कहा जाता है।